दो बहनों के हीरों की नदी। दो बहनें चंद्रिका और हरिता उनकी गरीबी दूर करने के लिए एक अमीर घर में दोनों बहनें काम करने लगे। वो परिवार बहुत अमीर होने पर उस घर के मालिक उन दोनों बहनों को बहुत नीचे नजर से देखते थे। दोनों बहनों को बहुत बातें बोलते थे, पर ये दोनों उनकी बातों का बुरा नहीं मानते और उनकी जिंदगी बिताने के लिए दोनों बहनें उसी घर में काम करने लगे। एक दिन दोनों बहनें काम पर थोड़ा देर से जाते हैं, तब वो घर की मालकिन ऐसे कहने लगी, क्या रे महारानिया, अभी टाइम मिला क्या काम पर आने के लिए? तंखवा पूछते समय बिना हिचकिचाहट के कैसे पूछते हो, लेकिन काम करने के लिए दोनों इतनी देर से आते हो? वो मालकिन, मेरी बहन को कल रात बहुत बुखार था। कल रात को हम दोनों बिल्कुल नहीं सोए मालकिन। सुबह तक थोड़ा बुखार कम हुआ तो इसीलिए हम आए, लेकिन सुबह नींद से उठकर आने में इतनी देरी हुई। बस कर कहानियां सुनाना, जाके अंदर दोनों काम करो, ऐसे डांटती है। इस प्रकार सेहत खराब होने पर भी या जो भी हो, दोनों बहनों को काम करना ही पड़ता है। ऐसे उनकी जिंदगी बीतने लगी। एक बार उनकी मालकिन बहुत कीमती गहने खरीद कर उन्हें पहनते समय दोनों बहनें कमरा साफ करने के लिए जाने पर उनकी मालकिन के गहने देखते रह जाते हैं। तब उनकी मालकिन दोनों बहनों को देखकर ऐसे कहने लगी, चोरों की तरह दोनों ऐसे क्या घूर रहे हो रे? तुम्हारे आंखों से ही ये गहने खा लोगे क्या? नहीं मालकिन, वो गहने आप पर बहुत जच रहे हैं, इसीलिए हम आपको देख रहे थे मालकिन। आप हमें गलत मत समझिए मालकिन, ऐसे हरिता कहती है। तब वो मालकिन घमंड से ऐसे कहने लगी, ओहो क्यों नहीं लगेंगे, ये सभी डायमंड ज्वेलरीज हैं। तुम जैसे गरीब लोग इतने महंगे गहनों को इतने करीब से कभी नहीं देखे होंगे। शायद तुम्हारी जिंदगी में पहली बार डायमंड्स देख रहे हो ना? ऐसे बहुत मजाक उड़ाकर बात करती है। उसकी बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत दुखी होते हैं। इसीलिए घर जाने के बाद दोनों ऐसे बातें करने लगे, दीदी कैसी जिंदगी है हमारी। जब हमारे पापा जिंदा थे तब हमारे दादा और परदादा सभी हीरों के व्यापार ही करते थे ना, लेकिन वो अमीर औरत हमें हीरों के बारे में पता नहीं सोचकर बहुत बिल्डर देने लगी ना। जाने दे बहन, जो हो गया सो हो गया, अभी हमें काम करके ही जीना है बहन, उसकी बातों का तो बुरा मत मानना, ऐसे दीदी कहती है। पर बहन हरिता गुस्से से ऐसे कहने लगी, बुरा क्यों नहीं मानूंगी दीदी, क्या हम भी हमारी जिंदगी में हम डायमंड्स देख सकते हैं दीदी? सिर्फ नाम के ही हम डायमंड्स के व्यापारी हैं, हम उनके बच्चे हैं, पर अभी हम कूली का काम करके जी रहे हैं। तब चंद्रिका ने, और कितने दिन बहन, पापा हमें मरने से पहले बोले ना कि हमें 20 साल की उम्र आने पर गुरु पूर्णिमा के बाद हमें माता के मंदिर को जरूर जाने बोले। वो गुरु पूर्णिमा 2 दिन में है बहन, हम उस माता के मंदिर जाकर आएंगे, तब शायद हमारी जिंदगी सुधरे, उस भगवान से हम प्रार्थना करेंगे बहन। फिर भी हरिता को उसकी मालकिन की बातों पर आई फ्रस्ट्रेशन कम नहीं होती। 2 दिन बाद दोनों बहनें माता के मंदिर जाते हैं। वो मंदिर जंगल के बीच में रहता है। उस मंदिर को देखने वाले कोई भी नहीं रहने पर वो मंदिर बहुत पुराना हो जाता है। तब दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता मंदिर के चारों ओर साफ करके उसके बाद भगवान के पास साफ करते समय माता की मूर्ति अनजाने में बाजू हट जाती है। तब उस मूर्ति के नीचे पाताल लोक को जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देते हैं। तब चंद्रिका ने, बहन पता नहीं हमने क्या गलती किया है, यहाँ रास्ता खुल गई, अभी हम इसे बंद कैसे करें बहन? इसको बंद करना बाद में सोचेंगे दीदी, पहले चलो देखते हैं ये रास्ता कहाँ जा रहा है। ऐसे दीदी से कह के उस पाताल लोक के रास्ते में जाने से वो रास्ता और एक माया दुनिया में दोनों बहनों को ले जाती है। वहाँ एक माया हीरों की नदी बहती हुई दिखाई देती है। तब दोनों बहनें उसे देखकर आश्चर्य हो जाते हैं, उन्हें उनके आंखों पर यकीन नहीं होता। तब वो ऐसे बातें करने लगे, बहन क्या ये सच है, ये माया हीरों की नदी
तुझे भी दिखाई दे रही है क्या बहन? हाँ दीदी, उधर देखो। पापा कहते थे ना कि हमारे दादा और परदादा ये सब पहनते थे। याद है दीदी, वो सोने की चप्पल देखो, वो यहाँ है दीदी। मतलब ये सभी हमारे पूर्वजों की हीरों के व्यापार से संबंधित माया हीरों की नदी है दीदी। शायद इसीलिए पापा हमें ये दिन यहाँ जाने बोले दीदी। ऐसे कहकर वो बहुत खुश होकर उस माया हीरों की नदी से उनके नाम बताकर परिचय देते हैं। तब वो माया हीरों की नदी दो बड़े बड़े हीरों की थैलियों को दोनों बहनों के पैरों के पास प्रकट करती है। तब दोनों बहनें वो माया हीरों की नदी को कृतज्ञताएं कहकर हीरों की थैलियां लेकर बाहर आने के बाद फिर से मूर्ति अपने स्थान पर वापस चली जाती है और रास्ता बंद हो जाता है। इस प्रकार हीरों के कारोबार के वारिशों को माया हीरों की नदी दिए हीरों के थैलियों से उनकी जिंदगियां बदल जाते हैं। तब दीदी बहन से ऐसे कहने लगी, बहन क्या तुम अब खुश हो? क्या तुम अभी सहमत हो कि हम एक हीरे व्यापारी की बच्चियां हैं? नहीं दीदी, क्योंकि मैं एक माया हीरों की नदी से हीरे लाई ना। ऐसे जोक करने पर दोनों बहनें बहुत हंसते हैं। उसके बाद उन दोनों को किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। गंगेपाड़ो नाम के गांव में गुरुनाथम नाम का एक नारियल बेचने का व्यापारी रहता था। वो बहुत सालों से आसपास के गांव से अच्छे अच्छे देसी नारियल चुनकर उनको बेचकर उसके दोनों बेटियां चंद्रिका और हरिता को पाल पोसकर बड़ा करता है। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन चंद्रिका एग्जाम का फीस भरने पैसों के लिए घर में उदास रहे पिता के पास जाकर ऐसे कहने लगी, पापा मेरे एग्जाम फीस के लिए लास्ट डेट आ गया पापा। समय पर फीस नहीं भरने से ये सेमेस्टर पूरा वेस्ट हो जाएगा पापा। ऐसे कहती है तब पिता ने, जब से तू फीस के बारे में बोली तब से मैं पैसों के लिए कोशिश कर रहा हूँ बेटी, पर क्या करूँ, कहीं भी पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा। ऐसे कहने पर चंद्रिका को आश्चर्य लगता है। तब ऐसे जवाब देने लगी, ये क्या पापा, सिर्फ 800 रुपए के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो? क्यों पापा, हमारा व्यापार ठीक से नहीं हो रहा क्या? नहीं बेटी, बहुत पहले ये गुरुनाथ के बेचे नारियल का बहुत डिमांड था और हमारा व्यापार भी अच्छा था, पर अभी बहुत सारे नए नए लोग यही व्यापार कर रहे हैं। बेंगलुरु नारियल, केरला नारियल कहकर, जादू बातें कह के तरह तरह नाम के नारियल मार्केट में आ गए और हमारे बेचे देसी नारियल कोई नहीं खरीद रहे बेटी। पिता की बातें सुनके इतने सालों से उनके मुश्किलों का दर्द बिना पता चले बेटियों को कैसे पाल पोसकर बड़ा किया तब समझ में आता है। इसीलिए उनके व्यापार में आए मुश्किलों से कैसे छुटकारा पाना है सोचने अकेली बैठी चंद्रिका के पास बहन हरिता आकर मामले की जानकारी ली। तब चंद्रिका ऐसे जवाब देने लगी, बेचारे पापा, व्यापार कम होने पर बहुत उदास हो गए बहन। लोगों को बाजार में मिले हर चीज में नया चाहिए, इसीलिए बॉडी को कूल किए नारियल में भी ब्रांड्स ढूंढ रहे हैं। पर बहुत सालों से इसी व्यापार पर निर्भर रहे पापा, लोगों को धोखा देकर व्यापार करना उन्हें नहीं आता और ऐसे बेबस रह गए। इसीलिए पापा को उस उदासी से बाहर कैसे निकालना है मैं वही सोच रही हूँ बहन। ठीक है दीदी, पर हम भी क्या कर सकते हैं बताओ, ऐसे हरिता कहती है। तब चंद्रिका ने, तो आने से पहले मुझे एक अच्छा आइडिया है बहन, पापा के बेचे नारियल कोई नहीं खरीद रहे ना। ऊपर से गर्मी का मौसम भी आ रहा है, इसीलिए हम पार्ट टाइम करके पापा के पास रहे नारियलों से कोकोनट वाटर मिल्क शेक बनाकर बेचेंगे। और नारियल का पानी पीने के बाद बहुत सारे लोग अंदर ही नारियल को छोड़ देंगे ना। उस नारियल से दूध तैयार करके उस दूध से और एक वैरायटी मिल्क शेक बनाकर बेचने से लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरा आइडिया कैसा है बहन? तब बहन हरिता उसके दीदी के प्लान से इम्प्रेस होकर ऐसे कहने लगी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है दीदी, इसको और एक ऐड करते हैं। कैरेट बीटरूट को नारियल के पानी में रात भर भिगोने से
उनका कलर पूरा नारियल के पानी में आ जाएगा। तब ये कोकोनट वाटर मिल्कशेक को अट्रैक्टेड कलर्स में भी हम बेच सकते हैं। ऐसे सोचकर दोनों बहनें एक ही बात पर रहकर उनके पिता के व्यापार में बचे हुए नारियलों को तोड़कर नारियल के पानी को और नारियल को उपयोग करके कोकोनट वाटर मिल्कशेक बनाकर बेचना शुरू करते हैं। तब धीरे धीरे से लोग उन बहनों के कोकोनट वाटर मिल्कशेक टेस्ट करके तारीफ करना शुरू करते हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत उन दोनों बहनों के पास आकर, देखो बेटे, अभी तुम दोनों कोकोनट मिल्कशेक नाम पर ये बेच रहे हो, पर हमारे बचपन में शरीर ठंडा होने के लिए मेरी दादी यही पिलाती थी। उसमें थोड़ा बार्ली के बीज और तुलसी के पत्ते भी डालकर देती थी। उससे पेट में ठंडा रहेगा और सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी। तुम दोनों तो मेरे बचपन को याद दिलाए। ऐसे और दो वैरायटीज बताने पर दोनों बहनें उनके कोकोनट मिल्कशेक व्यापार में कोकोनट वाटर बार्ली मिल्कशेक, कोकोनट वाटर हर्बल मिल्कशेक वैरायटीज रख के मेनू को बढ़ाते हैं। उसके बाद हेल्थ कॉन्शियस जिस को है वो लोग इस गर्मी के मौसम में ये बहनों के बनाए कोकोनट वाटर मिल्कशेक पीना शुरू करते हैं। इस प्रकार कंपटीशन की दुनिया में नुकसान हुए उनके पिता के व्यापार को दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता बहुत होशियारी से कोकोनट वाटर मिल्कशेक का व्यापार करके उनके पिता की परेशानी को दूर करते हैं। आए हुए पैसों से उनकी अवसरों को पूरा करके उनके पिता को एक अपडेटेड बिजनेस शुरू करके सौंपते हैं।